इसके आगे देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर सारा हाँ आएगा। फोल्डर है मेरा, अभी इसमें टाइम लग रहा है, ये सब आ रहा होगा। यस सर हाँ, इसमें आपको एक टॉपिक ढूंढना है। देखिए ये फोल्डर पे जाना है, PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज, ये वाला, ये अच्छा वाला यस सर PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज जैम स्लैश गेट। अभी डाउट क्लास 11 बजे से होती है, 11 से 12 अभी शुरू करते हैं। तो ठीक है जी, मिला अभी। ये देखिए आप, अभी इसके अंदर जाएंगे आप तो अभी जो खोला था ये पहला टॉपिक है, टॉप पे जो है बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल, ठीक है ना। वो यस सर मिल गया। आप तो कल की क्लासेस में सर इसी को ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन करके आने हैं कर कल की क्या, हाँ क्लासेस ये होमवर्क है, चैप्टर 7 आपको इस बुक में जाके चैप्टर 7 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसमें 125 क्वेश्चन अराउंड है, तो आप जितना कर सकते हैं कीजिए। डाउट रहेगा तो कल की क्लास में हो सकता है डाउट लूँ, या मैं डाउट 11 से 12 में लूंगा, तब मैं आपको कल में। प्रोबेबिलिटी यस सर स्टार्ट तो करेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 6 है, तो वो स्टार्ट करेंगे। डाउट भी आप पूछ सकते हैं, हम पहले डाउट भी कुछ कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल ये स्टार्ट करेंगे एक बार ओके सर बेसिक। मैं कल कर कल हाँ तो ये बेसिक चल रहा है, फाउंडेशन मतलब मान लो बेसिक स्ट्रॉन्ग इसके थ्रू हो जाएगा। और जिनको ये मुश्किल लग रहा है तो NCERT पहले करो, NCERT ठीक ठाक जो लोग कर लेंगे, या नहीं करोगे तो भी कोई ठीक है, अच्छे से पर देख लो क्या कैसे है। मेरा ये मानना कि आप बस ये देख लो 11 12 में जो चीज़ें थी वो आपने रिकॉल कर लिए हैं, सो ये चीज़ है। ठीक थैंक यू है, सर। हाँ थैंक यू। तो कल हम ये स्टार्ट करेंगे प्रॉबिलिटी।